पैगंबर की तरह टंडो आदम में भी शहदाय करबला चेहलम बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। चेहलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगा बड़ा पाड़ा से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रा रस्तों से रवा दवा रहा और वापसी मरकजी इमाम बारगा बड़ा पाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अनोहा खानों ने शहदाय करबला को नजराना अकीदत पेश किया, जबकि अजादारों ने सीना गोभी और खंजर जनी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार तैनात किए गए थे, जबकि स्कॉट भी अपने फराइज निभाता रहा। इस मौके पर DSP टंडो आदम मोहम्मद अयूब बिरोही ने वतन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है, आने जाने वाले रस्तों पर पुलिस का गश्त जारी है। जुलूस के मौके पर शर पसंदों पर नजर रखे हुए है। आज चेलम की ड्यूटी के सिलसिले में हमारे फुल प्रूफ अरेंजमेंट है, पुलिस की तकरीबन 300 के नफरी लगभग लगी हुई है और सारे सब डिवीज़न के एक्स्ट्रा भी हमें नफरी मिली हुई है। रेंजर्स की 4-5 गाड़ियां हैं, DSR रेंजर्स है और जितना भी रूट है मेन इमाम बारगाह से लेके जुम्मन शाह साठी पेड़ इवन इधर लतीफ गेट तक, ये सारा रास्ता बम डिस्पोजल वालों से स्वीपिंग कराई हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा खैर से ये दिन गुजर जाएगा। इमाम बारगा बड़ा पाड़ा के हबीबुल्ला मरी ने वतन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। हमारा जुलूस बरामद हुआ है मरकजी इमाम बारगा से। छोटे जुलूस जो है वो आते हैं मरकजी इमाम बारगा बड़े पिड़ में, ये मुख्तलिफ पिड़ों से होते हुए वापस मरकजी इमाम बारगा बड़े पिड़ में आएंगे और उधर जो है वो मरकजी मजलिस अजा होगी और उसके बाद जो है वो न्याज तकसीम होगी। और इंतज़ामिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो इंतज़ामिया का हमारे साथ जो है वो मुकम्मल तआवुन है और हमारा भी उनके साथ मुकम्मल तआवुन है। हमारे वॉलंटियर्स और पुलिस और रेंजर्स के बामी तआवुन से जो है वो हमारी कोशिश है कि जुलूस को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बनाया जाए। जुलूस मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ इमाम बारगा बड़ा पाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में जख्मी अजादारों के लिए तालका अस्पताल ने एम्बुलेंस भी फराहम की। दूसरी जानिब मुख्तलिफ चौराहों पर मोमिनों के लिए सबील का भी एहतमाम किया गया था। आखिर में मरकजी इमाम बारगा बड़ा पाड़ा पर मजलिस से अलामा सैयद फरमान अली जैदी ने वाकया करबला पर रोशनी डाली। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर अशफाक गौरी, वतन न्यूज़ टंडो आदम।